मिर्जापुर से है। गृह मंत्री अमित शाह ने किया विंध्य कॉरिडोर का भूमि पूजन। काफी समय से शिलान्यास की अटकलों पर आखिर विराम लग गया। रविवार की अपहरण 3:05 पर विंध्य धाम में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने 20 मिनट के अपने कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां विंध्यवासिनी का चरण पूजन किया। दर्शन उपरांत पूर्व से तय कार्यक्रम विंध्य कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। काशी विश्वनाथ के महंत श्रीकांत व विंध्याचल के अगस्त द्विवेदी की अगुवाई में 6 ब्राह्मणों के दल ने मंगलाचरण से मंत्रोच्चार किया। मंत्रोच्चार से पूरा प्रांगण गुंजायमान हो गया। करीब 13 मिनटों में भूमि पूजन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विंध्यवासिनी मंदिर से पूजा स्थल तक गृह मंत्री को कॉरिडोर की योजना के बारे में जानकारी देते दिखाई दिए। लाल कपड़े में बंधे 5 ईंटों को गृह मंत्री व मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन के लिए खोदे गए गड्ढे में प्रतिष्ठित किया। भूमि पूजन के दौरान विधिवत आरती पूजन कर हर हर महादेव व मां विंध्यवासिनी के जयकारे की उद्घोष के साथ पूजन प्रक्रिया का समापन करने के पश्चात सभास्थल के लिए मिर्जापुर शहर में स्थित GIC मैदान के लिए प्रस्थान कर गए। दर्शन पूजन का कार्य रत्नाकर मिश्र ने कराया। मंदिर में मुख्य पुजारी के रूप में सुधाकर मिश्र मौजूद रहे। दर्शन सहयोग में पदाकर मिश्र भी व 5 पंडितों ने मंत्रोच्चार किया। दर्शन के दौरान ब्राह्मणों ने शंखनाद किया। कार्यक्रम के दौरान पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल, नगर विधायक रत्नाकर मिश्र इत्यादि सैकड़ों जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत ADG जोन वाराणसी बृजभूषण शर्मा, मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र, DIG रेंज जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लचकार, पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह, अपर जिला अधिकारी UP सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर संजय वर्मा, नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह इत्यादि तैनात रहे। मिर्जापुर से सत्येंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट।